आज हम बात करेंगे कि हमारे अंदर जो दो पर्सनालिटीज होती हैं, हम कैसे डिफाइन कर सके कि कौन से टाइम पे कौन सी पर्सनालिटी हमारी डोमिनेंट है। आप जानना चाहेंगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल। मैं हूँ स्पिरिचुअल लाइफ कोच, एक होप क्रिएटर, एक हीलर, और आज बात करने आई हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ आपको नया सीखने को समझ में भी आएगा और सीखने को भी मिलेगा। आज हम बात करेंगे हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ की। ये दोनों ही पर्सनैलिटी हमारे अंदर होती हैं, हालांकि कभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, बट एक्सपीरियंस आई एम श्योर ज़रूर किया होगा। जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी होती है, तो उस मोमेंट पे आपको दो आवाज़ें आती होंगी। एक आवाज़ जो कहती होंगी, आगे बढ़, बिल्कुल तू जीत सकता है, ज़रूर इस चुनौतियों का सामना कर सकता है, और एक आवाज़ जो कहती होगी, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है? जी हाँ, तो ये जो दो आवाज़ें आपने सुनी, ये आपका एक आवाज़ जो आपको हायर एंड पे लेके जा रही थी, आपकी लाइफ के पर्पस की तरफ आपको लेके जा रही थी, और वहीं पे जो दूसरी आवाज़ आपने सुनी वो आपके लोअर सेल्फ की थी, जो आपको बार बार सेल्फ डाउट में डाल रही थी। होता क्या है कि कभी कभार हम फंस जाते हैं अपनी लोअर सेल्फ की आवाज़ को सुन के, और धीरे धीरे एक ऐसे लूप में चले जाते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन सा दिखता है। बट वहीं पर जहाँ लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जो लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, वो अपने हायर सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ की आवाज़ के साथ और भी गहरा कनेक्शन बनाते चले जाते हैं, जिससे उनको गाइडेंस मिलनी शुरू होती है और वो उसको फॉलो करते रह जाते हैं। आइए हम समझते हैं कि अगर आपका हायर सेल्फ एक्टिव है तो आपके इमोशंस कैसे होंगे। जब आपका हायर सेल्फ एक्टिव होता है तो आप हमेशा कंपैशनेट रहते हैं, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता चला जाता है, आप अपनी ज़िंदगी को तो बेहतर करते ही हैं, बट आप दूसरों की ज़िंदगी को भी और बेहतर करते हुए चले जाते हैं। जब आपका हायर सेल्फ एक्टिव रहता है और आपका कनेक्शन उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मनी, फेम, सक्सेस, इन तीनों को एक्सपीरियंस करते चले जाते हैं। हायर सेल्फ हमारा वो पार्ट है जो हमें कुदरत की शक्तियों के साथ कनेक्टेड रखता है। हम सब कुदरत की एक बीइंग हैं, वी ऑल आर बीइंग्स ऑफ लाइट। और जब मैं ये बात कहती हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो कुदरत की लाइट है, कुदरत की शक्तियाँ हैं, वो हमारे अंदर भी हैं। आपने बहुत सारे बार ये सुना होगा टर्म जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि आई एम द यूनिवर्स, आई एम द क्रिएटर। तो ये सारी बातें, ये सारे विचार आप उन्हीं लोगों से सुन सकते हैं जो लोग बहुत हाई वाइब्रेशंस में हैं या फिर अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो आप बताइए कि क्या आप अपनी बातों को सुनते हैं, जो आपके दिल से बात आती है निकल के? अगर आप कंटिन्यूसली अपना कनेक्शन अपने हायर सेल्फ के साथ बना के रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर होते हुए चली जाती है और अपने पर्पस को ट्रू फेस कर रहे होते हैं। आइए अब हम समझते हैं लोअर सेल्फ क्या होता है। जो भी भाव एंगर से बने, जो भी भाव एग्रेशन से बने, जो भी भाव सैडनेस से बने, जो भी भाव ग्रीफ से बने, गिल्ट से बने, ग्रीड से बने, लस्ट से बने, ये सारे भाव आपके लोअर सेल्फ के होंगे। ये एक वो सेल्फ है जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, ये वो सेल्फ है जो आपको सेल्फ डाउट में डाल रहा है, ये वो सेल्फ है जो आपको अपने पर्पस से नहीं मिला रहा है, ये वो सेल्फ है जो सिर्फ आपको जीना सिखा रहा है कि तुमने आगे बढ़ना है पैसे कमाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आगे क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने आप को बांट सकते हो, कैसे आप अपने आप को सर्विस में डाल सकते हो, इन सब चीज़ों का आपके लोअर सेल्फ से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो लोअर सेल्फ में कनेक्टेड रहते हैं, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं या एक ही विचारधारा में रहते हैं कि मुझे सिर्फ अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, मुझे बाहर से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग जो दूसरों की कामयाबी में जलते हैं, ऐसे लोग जो दूसरे जब तरक्की करते हैं तो बजाय उनको सपोर्ट करने के, उनको और ज़्यादा नफ़रत भरी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि
इंसान बुरा नहीं है, उसके अंदर जो सोच चल रही है, जो उसको थॉट्स दे रही है वो बुरी है, वो उसके लोअर सेल्फ की है, वो उसके डेविल सेल्फ की है। हम कैसे पता लगे कि हम कौन से जोन में हैं? मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भी बताऊंगी। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करना शुरू करें और फिर धीरे धीरे करके ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछना शुरू करें तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन से जोन में हैं और आप अपने जोन को बदल के अपने हायर सेल्फ से मिलना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपने पूछना है, हु एम आई विदाउट माई नेम एंड लेबल्स। बहुत ही गहरा और बहुत ही डीप वर्क करने के लिए ये क्वेश्चन है। मेरे नाम के अलावा और मैं जो हूँ उसके अलावा मेरी क्या पहचान है? दूसरा क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछेंगे वो रहेगा, मैंने ये जन्म क्यों लिया है? Why have I taken birth? तीसरा क्वेश्चन या फिर तीसरा जिसको मैं कहूँगी कि एक ऐसा वर्क जो आपको शुरू करना चाहिए वो रहेगा शेडो वर्क का। मुझे पता है कि शायद इस मोमेंट पे आपको नहीं पता कि शेडो वर्क क्या होता है, बट मेरे ही चैनल पे आपको मेरी वीडियो मिलेगी जहाँ मैंने पूरा शेडो वर्क आपको बताया है कि आप कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन और शेडो वर्क की टेक्निक अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में करना शुरू करते हैं तो आई एम श्योर कि आप अपने लोअर सेल्फ से एक बेटर वर्जन बनने के लिए तैयार हो जाएंगे और जल्दी ही आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन क्रिएट करेंगे। और जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ के स्टेट में आएंगे आप कुदरत से जुड़ना शुरू हो जाएंगे और कुदरत की सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, मगर शुरुआत आपने करनी है। अगर आप तैयार हैं तो कुदरत भी आपके लिए तैयार है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस पे काम करना शुरू करेंगे और अपने हायर सेल्फ से और भी डीपर कनेक्शन क्रिएट करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अब अलविदा चाहूंगी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।